हाय एवरीवन, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कथुआ केस के ऊपर और बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन पूरे इंडिया में जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये मीडिया वाले झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और ये अजीब सी गंदी भद्दी रेप के ऊपर, किलिंग के ऊपर राजनीति हो रही है, इसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँ, ओरिजिनल जम्मू से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, कोई भी जांच कर सकता है इसको, क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। इसमें मैं किसी से ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा हूँ, मुझे जो पता चला है मैं आपको बता रहा हूँ और शायद ये वीडियो यूज़फुल भी हो सच सामने लाने में। तो मैं अपने सोर्सेज का नाम नहीं बताऊँगा, बिल्कुल नहीं, और बट मैं आपको जो बताऊँगा आप ध्यान से सुनिएगा। कथुआ केस में आशिफा नाम की लड़की है, आशिफा नाम की लड़की, ये केस जनवरी का है और ये केस जम्मू रीजन में हुआ। और आशिफा नाम की लड़की ये गुजर बकरेवाल कम्युनिटी से आती है। गुजर बकरेवाल कम्युनिटी वही कम्युनिटी है जिन्होंने, आपको याद होगा कि कारगिल के समय सेना की मदद की थी ये बताने में कि टेररिस्ट आए हैं, और ये बहुत ही प्यारी कम्युनिटी है। और इसी कम्युनिटी की ये आशिफा लड़की बच्ची थी 8 साल की जिसका मर्डर हुआ। इसके ओरिजिनल मदर फादर नहीं है, उनका डेथ पहले हो चुका है और इसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं। इसकी डेथ जनवरी में हो गई और ऐसा क्लेम किया गया कि इसकी डेथ रेप के बाद हुई और मंदिर के अंदर हुई, और 8 दिनों तक इसकी लाश मंदिर में पड़ी रही जो मीडिया अभी भौंक रही है, और वो कोई देखने नहीं आया। और उसके बाद ये जब पता चला तब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब इसकी रियलिटी क्या है? इसकी रियलिटी ये है कि सबसे पहले जब ये लड़की अगवा हुई तो पुलिस में FIR दर्ज हुआ कि लड़की नहीं मिल रही है, अगवा है। उसके बाद इस लड़की को जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो लड़की मिली नहीं, और जब मिली तो उसकी लाश मंदिर में मिली। वो मंदिर के बारे में आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि वो मंदिर बीच एरिया में है, उसमें कोई लॉक नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मंदिर क्लोज्ड है या कोई ऐसा क्लोज रूम है जहाँ पे उसके लाश को रख दिया गया और 8 दिन तक किसी को पता नहीं चला। वो मंदिर प्रॉपर मार्बल का बना हुआ है, स्टोन का बना हुआ है, और जब वो उसकी लाश मिली तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने ये जो, जब फर्स्ट टाइम लाश मिलती है तो आपको बता दें कि पुलिस उसकी सारी सबूतों को इकट्ठा करती है और उसके पूरे सिचुएशन को एक डिस्क्राइब करती है। तो उस जब FIR दर्ज हुआ और जो लाश मिली तो उसमें ये बताया गया था कि उसकी लाश के ऊपर गीली मिट्टी है लगी हुई, और उसके लाश के ऊपर, और उसके बाद और 8 दिन पहले मर्डर हुआ है ऐसा बोला गया। तो ये जो क्लेम हुआ उसके ऊपर पुलिस ने इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर साहब के पास ये गया लाश, तो डॉक्टर ने फर्स्ट रिपोर्ट में जो बयान अभी आपके पास आ जाएगा कुछ दिनों में, वो डॉक्टर ने फर्स्ट रिपोर्ट में ये सीधा सीधा बताया है कि इट इज़ अ किलिंग बट रेप हैज़ नॉट बिन हैपन, रेप हैज़न्ट हैपन, रेप नहीं हुआ था आशिफा के साथ, आशिफा का मर्डर हुआ था। और आशिफा का मर्डर जिस समय के बारे में बताया जा रहा है कि इस समय में हुआ था, वो समय भी डॉक्टर ने खारिज कर दिया। आशिफा का मर्डर उसके पहले हुआ था जिस समय को उस मीडिया क्लेम कर रही है। तो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने डेथ का टाइम और ये भी बता दिया था कि आशिफा का रेप नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात जो मीडिया भौंक रही है 24 घंटे 24x7 न्यूज़ में कि आशिफा का रेप हुआ, वो आशिफा का रेप बिल्कुल नहीं हुआ है, आशिफा का मर्डर हुआ है। तो पहले तो क्राइम को क्लियर करिए, रेप नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है। दूसरी बात क्या हुआ कि फिर जब उन्होंने बोल दिया कि ये रेप नहीं मर्डर हुआ है और पुलिस को डेट और टाइम भी बता दिया, तो ये भी वहाँ प्रूफ हो गया कि उसका, और वो जो टाइम बताया उस टाइम में वहाँ पे जो इलाका है वहाँ कहीं भी कोई बारिश नहीं हुई थी, कोई
गीली मिट्टी जो उस पे लगी हुई है, उसके बॉडी पे जो मिली गई मिली वो उस एरिया की नहीं थी। तो इससे पुलिस रिपोर्ट में भी सबसे पहले ये आया कि ये जो मर्डर क्राइम हुआ है ये मंदिर में नहीं हुआ है, ये किसी और जगह पे हुआ है, फिर लाश को उठा करके मंदिर में फेंक दिया गया है। द डे दैट लाश वॉज फाउंड, दैट बॉडी वॉज फाउंड, उसी के पिछले रात को फेंका गया है वो लाश। 8 दिन से मंदिर में जो ये मीडिया वाले गाना गा रहे हैं ये बिल्कुल ही सिरे से गलत न्यूज है, क्योंकि ये मंदिर ओपन खुला रहता है और ये लाश रात में फेंकी गई है। और फिर उसके बाद पुलिस ने इस लाश को पिक किया। तो सबसे पहली बात कि मर्डर कहीं और हुआ है और मंदिर में नहीं हुआ है, तो ये दूसरा फैक्ट जो मीडिया छुपा रही है और भौंक रही है, कम्युनलाइज कर रही है चीज़ों को कि मंदिर में हुआ है, वो ही गलत है। मंदिर में मर्डर नहीं हुआ है, मर्डर बाहर हुआ है, लाश को फेंका गया है। और दूसरी बात कि रेप नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है, दो बातें हैं। उसके बाद ये मैटर इतना ज़्यादा सीरियस था, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की कम्युनिटी इतनी डर गई कि वहाँ से तुरंत 70 से 100 फैमिली के करीब उस रीजन से अपने आप को डिस्प्लेस कर लिया, अब वो कहीं और चले गए और शिफ्ट कर लिया डर से कि ये क्या हो रहा है। और ये जब आया न्यूज़ कि वो मर्डर हुआ है, उसके बाद ही वहाँ की कम्युनिटी में ये शंका शुरू हो गया कि कोई अब हमारे ही इलाके में ऐसे लोग आ चुके हैं जो ये काम कर रहे हैं। वो बहुत शांतिप्रिय इलाका है जम्मू रीजन का, वहाँ हिंदू सिर्फ रहते हैं। उसके बाद ये मैटर तूल पकड़ता हुआ वहाँ के कुछ लोगों ने ये पता लगाया और ये हो भी गया प्रूफ कि वहाँ रोहिंग्या के बस चुके हैं। तो रोहिंग्या के ऊपर इन लोगों ने पूरी कम्युनिटी जो वहाँ बचे हुए थे, 70 से 100 फैमिली तो डिस्प्लेस हो चुकी थी, वहाँ पे रोहिंग्या के खिलाफ धरने प्रदर्शन चालू हो गए कि रोहिंग्या रह रहे हैं और हमारी बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, मॉलेस्ट कर रहे हैं और डेली वायलेंस हो रहा है, डेली क्राइम, चोरी चकारी और मर्डर के केसेस आ रहे हैं, तो हमें इस यहाँ से निकालो रोहिंग्या को। इसके खिलाफ बहुत सारी कम्युनिटियों ने अलग अलग जगह पे धरने किए और इकट्ठे हो करके, और ये मैटर बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ने लग गया। उसके बाद इंडियन मीडिया ने वहाँ पे कुछ पत्रकार भेजे, जर्नलिस्ट भेजे कि पता लगा के आओ कि एक्चुअली में रोहिंग्या है भी कि नहीं। जब वो पत्रकार गए तो आपने न्यूज़ सुना होगा कि वो पत्रकार पीटे गए, मारे गए रोहिंग्या के द्वारा, और उनके कैमरा को तोड़ दिया गया और वो मारे गए। तो उसके बाद ये मीडिया में हाईलाइट हुआ कि रोहिंग्या एक्चुअली में है वहाँ पे। तो रोहिंग्या के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, ओरिजिनली में ये मर्डर रोहिंग्यास ने किया है इस लड़की का और उसको मार करके मंदिर में फेंका है, रोहिंग्या के मुद्दे को उजागर ना हो उसके लिए तुरंत इन्होंने क्या किया कि ये इस इन्वेस्टिगेशन को, जो इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली में सोर्स था ये रोहिंग्या वाले मुद्दे, उस कम्युनिटी के लिए ये जानने के लिए कि रोहिंग्या आ चुके हैं, इस मुद्दे को वापस से रीओपन किया और डॉक्टर को फोर्सफुली सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने को बोला गया। डॉक्टर ने ये बयान भी कबूल किया गया है कि सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे दोबारा बनाने को फोर्स किया गया, और उस पोस्टमार्टम में इसने लिखा कि रेप हुआ है और उसके बाद किलिंग हुई है। तो ये अब ये मैटर को, केस को बदल दिया गया कि अभी इसके साथ रेप हुआ है और मर्डर हुआ है। तो इस चीज को वापस से रीओपन जानबूझ के पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने किया है ताकि ये रोहिंग्या वाला मुद्दा दब जाए। उसके बाद अब इस मैटर को जब उजागर हुआ तो ये हिंदू मुस्लिम वाली बात आ गई, जिससे कि कम्युनलाइज हो जाए, हिंदू मंदिर में मिली, रेप हुआ उसके साथ, तो अब लोग पुजारी पे शक करें, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें, गंध फैलानी, मिस इन्फॉर्मेशन शुरू हुआ। अब वहाँ के लोग ही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है, रेप हुआ है, तो भाई CBI जाँच करा लो, प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे रेप हुआ है या मर्डर कहीं और हुआ है, CBI को दो, सौंपो। तो महबूबा मुफ्ती ने बड़े आराम से क्या किया कि जम्मू रीजन में जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी उसको, उसके लिए SIT बनवाई कश्मीर रीजन में।
और कश्मीर रीजन में SIT बनवा करके इस केस के इन्वेस्टिगेशन को ऐसे आदमी को सौंपा गया जो आदमी खुद ही बहुत बड़ा जिहादी रेडिकल है, बहुत बार सस्पेंड हो चुका है वो पुलिस विभाग में रहते हुए, और उसको ये केस सौंपा गया है। और फिर उसी बंदे के थ्रू फेक लोगों को, फेक इन द सेंस जानबूझ करके उस इलाके के कुछ हिंदुओं को पिक कर लिया गया और टॉर्चर किया जा रहा है इस इन्वेस्टिगेशन के अंडर कारपेट में। तो ये केस, और अब मैं आशिफा के CBI डिमांड को लेकर के जो BJP के मिनिस्टर्स ने भी जो सपोर्ट किया उस कम्युनिटी के वहाँ के लोगों को, तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि महबूबा मुफ्ती BJP के मिनिस्टर्स को सैक करने वाली हैं और हो सकता है कि ये गठबंधन टूट जाए। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। सबसे पहले रेप नहीं था, मर्डर था। दूसरा, मंदिर में नहीं हुआ, कहीं और हुआ, लाश को फेंका गया, 8 दिन तक मंदिर में कहीं नहीं है। और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है उससे साफ प्रूफ होता है कि वो मंदिर में डेथ नहीं है। 8 दिन तक वो बॉडी वहाँ रही नहीं क्योंकि डेथ का टाइम अलग था, और उस बच्ची को मारा गया कहीं और पे और उसकी लाश को यहाँ फेंका गया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को बदला गया, पोस्टमार्टम के डॉक्टर को फोर्सफुली दूसरा पोस्टमार्टम करना पड़ा। तो अब मेरे को ये मीडिया बताए, दोगली मीडिया जो भारत की सबसे नपुंसक जिस इम्पोर्टेंट मीडिया जिसके न रिपोर्टर है न जर्नलिस्ट है, जो फर्स्ट ग्राउंड पे जा करके ये भी नहीं पता लगा सकती कि सच क्या है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मामला जनवरी का है और इसको अप्रैल में जानबूझ के रोहिंग्या के मुद्दे को दबाने के लिए महबूबा मुफ्ती कर रही है, और इसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्व है बैकडोर से इस चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए। और ये जो इनके गुलाम नबी अब्जाद के जो वकील हैं वो इस मुद्दे को जानबूझ के तूल दे रहे हैं और CBI डिमांड पे नहीं आ रहे हैं। CBI इन्वेस्टिगेशन ये बोल रहे हैं कि कोर्ट में होना चाहिए, कोर्ट को बंद करवा दिया हाई कोर्ट को उधर एक तरफ, तो दूसरी तरफ ये डिमांड कर रहे हैं कि कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट करे। SIT जो गठन हुई है सबसे पहले वो कश्मीर रीजन की क्यों हुई है, जम्मू में क्यों नहीं हुई है, और दूसरी बात कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को क्यों रखा गया है जो महबूबा मुफ्ती के टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये CBI डिमांड होनी चाहिए अगर आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है तो। और मीडिया और जो इकोसिस्टम है, ये बॉलीवुड के जो अनपढ़ दलाल बैठे हैं, जो ये जावेद अख्तर टाइप से और ये जो आ जाते हैं हुमा कुरैशी टाइप से प्ले कार्ड लेकर के, इनसे मैं कहना चाहूँगा कि मुंबई में AC में बैठ के अपनी मराने से अच्छा है कि जम्मू जाएं और ओरिजिनल खबर पता करें, ठीक है। तो मीडिया वालों से भी कहूँगा कि नोएडा और बॉम्बे में बैठ के जो 24 घंटे कुत्ते की तरह भौंकते हो तुम वहाँ पे, वो आप जम्मू में एक बार लैंड करो और वहाँ की कम्युनिटी से पता करो, सच सामने आएगा। तो आप लोगों से मेरी खास करके दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शेयर करें। ये पूरा का पूरा कथुआ केस ही फेक है और इसकी ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन आनी चाहिए कि इसको किस रोहिंग्या ने मारा है। और रोहिंग्या का मुद्दा अब बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है जम्मू रीजन में, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को मालूम है कि वो कश्मीर रीजन में हार रही हैं, तो अब वो जम्मू में कम्युनलाइज कर रही हैं। और महबूबा मुफ्ती चाहे आप पार्टी गठबंधन तोड़ दीजिए, जो जनता ने वोट दिया, या कुछ भी कर लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर को अब जनता वहाँ की समझेगी और आपके भी खेल को समझेगी, अब्दुल्ला डायनेस्टी को भी समझेगी और कांग्रेस को भी समझेगी, ठीक है। तो ये राजनीति खेलना, और जो इनके मीडिया के दलाल हैं जो इनके कहने पे न्यूज़ चलाते हैं और पैसे लेकर के, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम देश की खातिर तो नहीं, उस बच्ची के खातिर दलाली छोड़ दो यार, दलाली छोड़ दो। थैंक यू।